अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल ट्रांसपोर्टेशन साइकिल स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी फर्दर दो टाइप्स थी, एक कीलेस साइफर था और एक कीट साइफर था। तो आज की इस वीडियो में हम कीलेस साइफर से स्टार्ट कर रहे हैं और कीलेस साइफर की जो हमारे पास पहली टेक्निक थी वो थी रेल फेंस साइफर। तो हम देखते हैं कि रेल फेंस साइफर में हम किस तरह से इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं या इसकी टेक्निक में हमें क्या करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेल फेंस साइफर, अब जैसे हमें पता है कि ये जो अप्रोच है या ये टेक्निक है ये कीलेस साइफर की है, तो हमें इतना तो ये पढ़ के ही क्लियर हो रहा है इसके नाम से कि इस वाले टेक्निक में हमारे पास की मौजूद नहीं होगी। कीलेस मतलब की हमारे पास मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्ट इसकी इंक्रिप्शन पे जाने से पहले, हम इसके कुछ दो पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं और ये हमें बहुत काम आएंगे। सही, तो जो पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है राइट लेटर्स ऑफ मैसेज आउट इन कॉलम डायगनली ब्रैकेट में ना। तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, सही है, और प्लेन टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है मीट मी एट द पार्क। अब अगर गौर करें हमारे पास यहाँ पे तो की नहीं दी हुई, हमें सिर्फ कॉलम और रो, बस ये दिया हुआ है। रो होना बहुत जरूरी है, कॉलम तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो कैसे, आपके पास ये जो पूरा प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्लेन टेक्स्ट में आपके पास पूरा एक तरह से एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब उस सेंटेंस में हमारे पास बेसिकली सेंटेंस बना किससे, सेंटेंस बना है हमारे पास अल्फाबेट से। तो आप टोटल अल्फाबेट इसमें काउंट कर लें, जितने इसमें टोटल अल्फाबेट होंगे उतने ही आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं मीट मी एट द पार्क, ये मेरे पास पूरा एक प्लेन टेक्स्ट है, अगर मैं इसको अल्फाबेट वाइज काउंट करूँ तो मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे 15 वर्ड्स हैं, ठीक है, या 15, सॉरी 15 वर्ड्स बोल रहा हूँ, 15 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो 15 अल्फाबेट्स का मतलब क्या है कि मेरे पास 15 कॉलम मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे इसकी इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हुए। तो अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से MEET, ये मेरे पास चार हो गया, ये पूरा एक वर्ड है, ये मेरे पास 4 अल्फाबेट्स का है। तो यहाँ पे 2, 4 + 2 6, 2 8, 8 and 3 11, 11 and 4 15। तो मेरे पास जितने यहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे उतने ही मैं कॉलम ड्रॉ करूंगा। रो आपको लाजमी गिवन होगी, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा करने के लिए आएगा तो रो आपको गिवन होगी। कॉलम अगर आपको नहीं गिवन तो आप यहाँ से जो अल्फाबेट्स हैं मैसेज के, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो या साइफर टेक्स्ट हो, आप अगर इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो प्लेन टेक्स्ट होगा, डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो साइफर टेक्स्ट होगा, तो आप उसके अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे। और अल्फाबेट्स को काउंट करने के बाद आप उनकी जो टोटल आपके पास बनेगी लेंथ, उतने ही आपको कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरा। अब आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पे। हमने पहला पॉइंट तो पढ़ लिया, पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि ये पहला पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास क्या कह रहा था, राइट लेटर्स ऑफ मैसेज आउट इन कॉलम। अब हमें करना क्या होगा इसमें कि हमारे पास जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसमें आपके पास जो भी मैसेज लिखा हुआ है उसको हम अल्फाबेट में ब्रेक करेंगे और उसको हम कॉलम में डायगनली इंसर्ट करना शुरू करेंगे। अब जब हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है हमारे पास देन रीड ऑफ साइफर रो बाय रो, ठीक है। आज जब हम उसको डायगनली इंसर्ट कर लेंगे इस पूरे 15 कॉलम और 2 रोज में, अब जैसे अगर यहाँ पे 15 कॉलम लिखा हुआ है तो आप यहाँ काउंट कर लें यहाँ से, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड कॉलम है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे मैंने टोटल 15 कॉलम बनाए हुए और मेरे पास रो कितनी है, 2। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, और ये मेरे पास सेकंड रो हो गई। तो इस तरह से जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी करके रखी हुई है यहाँ पे। अब मुझे इस प्लेन टेक्स्ट को इंसर्ट करना है कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज भी मुझे किस तरह इंसर्ट करना है डायगनली, तो देखते हैं हम किस तरह करेंगे। अब ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब प्लेन टेक्स्ट में मेरे पास जो पहला अल्फाबेट है वो है एम, तो यहाँ पे मेरे पास ये पहला कॉलम है और पहली रो है, तो मैं यहाँ पे एम को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे दूसरा जो मेरे पास अल्फाबेट है वो ई है, तो मैं ई को सेकंड कॉलम में डायगनली पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट ई है तो नेक्स्ट ई को भी मैं डायगनली इंसर्ट करूंगा, इसी तरह से टी है तो मैं उसको डायगनली इंसर्ट करता रहूंगा इस तरह से। अब जो पूरा मेरे पास मैसेज है, जो रिमेनिंग मैसेज है, मैं उसको इसी तरह से डायगनली इंसर्ट करता रहूंगा। जैसे अब यहाँ पे एम आ गया मेरे पास, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, एच, ई, पी, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे डायगनली पुट नहीं किया था, यहाँ पे आएगा डायगनली पी, ठीक है। तो फिर आ जाएगा आपका ए, आर और के, ठीक है।
इस तरह से अगर आप देखें तो मैंने पूरा जो प्लेन टेक्स्ट का जो मेरे पास मैसेज था वो मैंने डायगनली इस वाले कॉलम में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास इतना काम मैंने कर लिया। अब मुझे इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करूँगा? ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको रीड करना पड़ेगा रो बाय रो। अब रो बाय रो का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको जो इंसर्ट किया वो तो किया मैंने कॉलम कॉलम के थ्रू। ठीक है, कॉलम में डायगनल इंसर्ट किया। अब अगर मैं इसको रीड करूंगा या फिर मुझे इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली जो पूरी रॉ है इसके अंदर मेरे पास जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको एक साथ रीड करूंगा। जैसे अब जो पहली रॉ है मेरे पास, उसमें मेरे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो बन रही है एम टी एम ए टी ई ए और के। ठीक है, तो पहली रॉ में मेरे पास जितने भी अल्फाबेट्स थे उसको मैंने एक साथ रीड किया या फिर एक साथ लिख लिया। अब इसी तरह से मेरे पास सेकंड वाली रॉ में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा इसकी इसी के आगे। ठीक है, तो आगे आ जाएगा मेरे पास ई टी ई टी एच पी और आर। तो ये मेरे पास बन जाएगा इस प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो परफॉर्मेंस हुई है, मतलब जो भी हमने टेक्निक परफॉर्म किया है, जो जो भी हमने सोल्यूशन किया है, उसमें हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उनके जो सिर्फ अल्फाबेट्स थे उनकी जो पोजीशंस थी सिर्फ वो चेंज हुई है। तो बेसिकली क्योंकि आपको दोबारा मैं रिमाइंड करा दूँ कि जो कीलेस साइफर है वो हमारे पास किसकी किसकी टेक्निक है, या मतलब हमारे पास ये किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास क्लासिकल ट्रांसपोजिशन साइफर की ब्रांच है। तो क्लासिकल ट्रांसपोजिशन में हमारे पास होता है क्या है कि आपके पास जो भी ओरिजिनल मैसेज होगा, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं या फिर आप साइफर टेक्स्ट कह लें अगर आप डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी जो ओरिजिनल मैसेज होगा उसकी सिर्फ जो अल्फाबेट्स हैं सिर्फ वो चेंज होते हैं। अल्फाबेट्स मतलब कैरेक्टर्स टोटली चेंज नहीं हो जाते, सिर्फ उनकी जो पोजिशन होती है सिर्फ वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कीलेस साइफर में फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है रेल फेंस साइफर। अच्छा, मैं इसके साथ अगर बताता चलूँ कि अगर इस टेक्निक को आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है तो हम इसको सिंपल इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप अगर इस टेक्निक को गौर से देखें तो हम इसमें सिर्फ दो काम कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं हम कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, राइट कॉलम बाय कॉलम, एक हमारे पास ये चीज़ इसमें परफॉर्म हो रही है, और सेकंड जो हमारे पास परफॉर्म हो रही है वो हम किस तरह से रीड कर रहे हैं। तो हम रीड कर रहे हैं रो बाय रो। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में अगर इस टेक्निक को याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम इस टेक्निक में कॉलम बाय कॉलम राइट कर रहे हैं और रॉ को मतलब रॉ बाय रॉ हम उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहीं पे ऐसा ही किया कि हमारे पास जो भी प्लेन टेक्स्ट था उसको हमने कॉलम बाय कॉलम डायगनली हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और उसको रो बाय रो हमने उसको रीड कर लिया, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट रीड हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी की हम डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास वेरीफाई हो जाए कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमें इसी साइफर टेक्स्ट से मिला या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।